नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरी कुकिंग चैनल में। चलिए आज सिंपल बैगन आलू की ये ऑसम सी ग्रेवी 10 से 15 मिनट के अंदर बना करके तैयार कर लेंगे बहुत ही बेसिक घर में मिलने वाले सिंपल मसालों के साथ। सिर्फ बैगन आलू और टमाटर की ज़रूरत है और एक ही प्रेशर कुकर में मैं आपको बनाने का ये आसान सा तरीका आज शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा जरूर देखें। यहाँ पे मैंने बैगन आलू टमाटर को ले लिए हैं अच्छे से वॉश करके। एक प्रेशर को मैं यहाँ पे गरम करके डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। आप सरसों के तेल में भी कर सकते हैं लेकिन रिफाइंड ऑयल में इसकी स्वाद बहुत अच्छी आती है। तो ऑयल गरम होते ही मैंने यहाँ पे जीरा डाल दी है। 1 से 2 तेज पत्ता को मैंने इस तरह से डाल दिए। जीरा चटकने लगे तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे हल्दी पाउडर। जी हाँ, हल्दी पाउडर डालने के बाद हम क्या करेंगे, चॉप्ड करे हुए मैंने जो 3 टमाटर लिए थे ना उसको डाल दूंगी। और यहाँ पे मैं टमाटर को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इस तरह से चलाते हुए पकाऊंगी। जी हाँ, टमाटर को हमें पहले पका लेनी है और इसको 2 से 3 मिनट तक, ये देखिए जिस तरह से ये थोड़ी सी पक जाए ना तब तक चला दी है प्रेशर को। हमें इस तरह से खुले में ही इसको पका लेनी है। और ये देखिए, देख रही है ना टमाटर जैसे कि थोड़े से पक चुके हैं। तो इस मोमेंट पे हम क्या करेंगे, जो आलू और बैंगन को हमने चॉप्ड करके रखे थे ना उसको यहाँ पे डाल देंगे। गैस को, फ्लेम को हमें स्लो नहीं करना है, बिल्कुल बढ़ा करके ही ये सारे प्रोसेस कर लेनी है। तो बैंगन आलू को हमने यहाँ पे डाल दिए और स्वाद अनुसार यहाँ पे मैं नमक डाल दूँगी और ये तीनों चीज़ों को अच्छे से इस तरह से मिला लूँगी। तो इस तरह से मिला लेनी है अभी। और 2 से 3 मिनट तक हमें क्या करना है ना, इसको पकाना है। जी हाँ, आलू और बैंगन की जो कच्चेपन की जो मतलब जो खुशबू होती है ना वो चली जाएगी। तो इस तरह से पहले हम 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से खुले में ही पका लेंगे। हमारी सब्जी 2 मिनट तक अब तक पक चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रेशर की कवर लगा लेंगे और इसको 2 सीटी आने तक ना कुक कर लेंगे। तो मैंने कवर यहाँ पे देखिए लगा लिया है। जब तक प्रेशर में आ रही है सीटी, यहाँ पे बेसिक मसाले हम तैयार कर लेंगे। तो 1 स्पून में यहाँ पे धनिया पाउडर ले रही हूँ, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ, आमचूर पाउडर 1 स्पून ले रही हूँ और कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ 1/2 स्पून। कसूरी मेथी मैंने यहाँ पे 1 स्पून लिया है और ये बेसिक सब्जी मसाले मैंने 1 स्पून लिया है। तो हमारी आलू और बैंगन की जो ये जो हमने प्रेशर में सीटी लगवाने के लिए रखे थे ना वो पक कर के तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से बैंगन और आलू पक चुके हैं। पूरा पकानी है अच्छी तरह से ताकि ये मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सी ग्रेवी फटाफट से तैयार होने के साथ साथ इसकी स्वाद भी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो सारे मसाले को इस टाइम पे हमें यहाँ पे मिला लेनी है और सिंपल सी सारी मसाले मिलाकर हम इसको थोड़ी देर तक चला लेंगे। बस थोड़े टाइम चलाने के बाद इसको हमें नॉर्मल सी कवर करके मतलब और सीटी नहीं देना है, ऐसे ही खुले में छोड़ लेनी है जब तक इसमें ज़रा सी एक उबाल आ जाए। बस 2 से 3 मिनट में अच्छी सी एक उबाल आ जाएगी। अगर आपको पानी की ज़रूरत है इसमें तो थोड़े से गर्म पानी आप डाल सकते हैं। ये देखिए ग्रेवी में आ गई है एक अच्छी सी उबाल और हमारी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बैंगन आलू की सब्जी बन कर के तैयार हो चुकी है। ये सब्जी अगर घर में ज़्यादा कुछ सब्जी ना हो तो ये ग्रेवी आप आराम से बनाइए, फटाफट से बन कर के तैयार होगी और बच्चों को भी पसंद आएगी और सभी को पसंद आएगी। ये देखिए
बिल्कुल लग रही है ना जैसे सब्जी बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बनी है। आप चावल रोटी पराठे सुबह सुबह टिफ़िन में कुछ देना हो तो ये सब्जी तुरंत बनाइए और फटाफट से टिफ़िन पैक कर लीजिए। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ये ग्रेवी, सिर्फ और सिर्फ आपको 10 से मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे और बन करके तैयार हो जाएगी। प्लीज़ इस तरह से एक बार आप ट्राई ज़रूर करें और ग्रेवी कैसी लगी मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो मेरी ये औसम सी रेसिपी पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।